हुआ है आग का। इसमें मेरे जो है सो अंकल आंटी गुजर गए, मेरे अंकल आंटी बहुत ख़ास थे और मेरे अंकल जो है एक डॉक्टर थे। ये नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ ये मेरी फैमिली को नहीं हुआ, एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने उनका सोसाइटी में एक पोजीशन, एक प्लेस एक अलग थी उनकी। तो जो है ये लॉस नेशन का लॉस है, सिर्फ हमारी फैमिली का लॉस नहीं है। और वहाँ पे कई सालों से एक केमिकल्स जो है ना स्टोर किए जा रहे थे टन्स ऑफ क्वांटिटीज़ में, बड़े बड़े बैरल्स में हाईली इन्फ्लेमेबल जो है रखे जा रहे थे ये केमिकल्स। और इसके खिलाफ जो है ना कई बार कंप्लेन की गई थी हटाने के लिए, बट नहीं हटाया जा रहा था ये केमिकल्स। इनफैक्ट ये केमिकल्स लिफ्ट और मेन गेट को भी ऑब्स्ट्रक्ट करते थे काफ़ी मरतबा, और इनकी स्मेल भी इतनी स्ट्रांग थी वहाँ से आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अब देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतनी जाने चली गई। मेरा जो है सो अथॉरिटीज से यही सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अब, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आई वॉन्ट एन आंसर फॉर दिस, दैट्स इट। आज आपने कहा स्टेयरकेस ब्लॉक था, लिफ्ट ब्लॉक थी, साइड से हटके जाना पड़ता था, करवट लेके जाना पड़ता था। इतना ज्यादा मात्रा में केमिकल स्टोर किया गया था वहां पे कई सालों से, इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी, वो बिल्डिंग के सामने से जाओ तो स्मेल आती थी। कंप्लेन किस बारे में? कंप्लेन डैमेज होने के हो चुके हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट कोई कंप्लेन हो चुके हैं। वो एक्नॉलेजमेंट तो जो है बिल्डिंग जल के तो राख हो गई। अब आप मेरे को बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट ला के दो, मेरा आधार कार्ड जल गया, एक्नॉलेजमेंट कहां से बताऊंगा मैं आपको? किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं सर ये जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है? जो देखे नहीं, जांचे नहीं, परखे नहीं क्या हो रहा, हाईली रेसिडेंशियल एरिया है पूरा ये बिल्डिंग, एक बला टल गई, इतने कई सारी जाने जा सकती थी और भी लोग मर सकते थे, इतनी बड़ी आग लगी। आपके अंकल आंटी का नाम बता पाएंगे? मेरे अंकल का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और आंटी का नाम है निखत सुल्ताना। पर जिस समय ये दुर्घटना हुई सर, वो लोग घर कमरे में ही थे, दोनों निकल नहीं पाए? नहीं निकल पाए क्योंकि नीचे तो पूरा जो केमिकल स्टोर था उसमें बहुत तेज आग लग चुकी थी ऑलरेडी, तो इसकी वजह से वो लोग नहीं निकल पाए। और वो जो धुआं जो ऊपर जा रहे थे, फ्लेम्स और स्मोक, उसकी वजह से सफोकेशन और फायर की वजह से वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। थैंक यू।